रामनगर पुलिस की बड़ी कार्यवाही, गुप्त सूचना पर किए गए छापेमारी में रामनगर थाना क्षेत्र के सबिया व जोगिया से 7 आर्म्स के साथ गिरफ्तार किए गए। 25 जिंदा कारतूस, 20 खाली खोखा पुलिस ने बरामद किया। वहीं थाना अध्यक्ष अनंत राम ने बताया कि सबिया और जोगिया से 7 हथियार, 25 जिंदा कारतूस और 20 खाली खोखा के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में मोहम्मद इरफान ग्राम सबैया, जावेद अख्तर पिता शेख रैफुल, शेख कौशर पिता स्वर्गीय शमीम अख्तर, दोनों ग्राम जोगिया शामिल से हैं। वहीं तीनों गिरफ्तार लोगों से पूछताछ व जांच पड़ताल की जा रही है। कुछ लोगों के द्वारा जंगली जानवरों का शिकार कर उनका मांस का तस्करी किया जा रहा है। मेरे द्वारा एक टीम का गठन किया गया जिसमें सीआई रामनगर अर्जुन प्रसाद जी, एसएचओ रामनगर, एसएचओ नौरंगिया और वज्रा टीम प्रभारी राजेश कुमार झा, एसएचओ नौरंगिया राजेश कुमार झा एवं वज्रा टीम प्रभारी संजय कुमार यादव एवं सशस्त्र बल के साथ छापेमारी किया गया। छापेमारी के क्रम में शेख कौशर पिता का नाम शमीम, इनके घर से 2 एयरगन, 1 देशी, 1 नाली, 12 बोर का पुरानी बंदूक, 12 बोर का 4 जिंदा कारतूस, 1 बोर का मिसफायर कारतूस और .22 का 4 जिंदा कारतूस एवं 20 खोखा बरामद हुआ। दूसरे नंबर एक्यूज जावेद अख्तर पिता का नाम शेख रैफुल साकिन जोगिया, इनके घर से एक पुराना बट जिसका टूटा हुआ ऐसा, एक देशी, 1 नाली बंदूक जिसमें 12 बोर की गोली, 12 बोर का 3 जिंदा गोली और 7 खोखा मिला। मोहम्मद इरफान पिता का नाम अब्दुल हनान साकिन सबैया, इनके घर से 1 एयरगन, 1 315 बोर का देसी कट्टा और 315 बोर का 5 जिंदा कारतूस मिला। चौथे नंबर के एक्यूज मोहम्मद अफान पिता का नाम अब्दुल हनान साकिन सबैया, इनके यहाँ से 1 देशी, 1 नाली बंदूक जिसके बट पर एक नंबर अंकित है लेकिन मिटाया हुआ है, जो संभवतः लग रहा है कि चोरी किया हुआ है। दूसरा 12 बोर का 8 जिंदा कारतूस जिसमें 6 बुलेट एवं छर्रा और 12 बोर का 6 खोखा बरामद हुआ। इस संबंध में रामनगर थाना कांड संख्या 2623 रजिस्टर किया गया है, धारा 25(1)(b)(a/26) और 35 आर्म्स एक्ट में अंकित किया गया है एवं 3 अभियुक्त शेख कौशर, जावेद अख्तर एवं मोहम्मद इरफान को गिरफ्तार किया गया है। यह केस जो है एसएचओ रामनगर अपने बयान पे किए है, कांड अनुसंधान अंतर्गत है और जो भी पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी